Everyone, this video is regarding how to start typing your answer in the MS Word file. As we know that CSM के जो papers या फिर जितने भी papers हैं सारे online हो चुके हैं CSO, CMO, CBO and we all know that CS and CM दोनों में maths involved होती है SATs और maths और दोनों में maths involved होती है like तो start कैसे करें from where we start मतलब how to write like write mathematical equations alpha, beta, gamma, plus, minus जो symbols होते हैं वो word में हम कैसे type करेंगे तो ये उन्हीं के लिए वीडियो रिगार्डिंग वीडियो है मोस्टली सिर्फ फॉर बिगनर्स के लिए अगर आप वो बेसिक्स पता है तो फिर ये आप स्किप कर लो कोई काम का नहीं आपका तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें मैथमेटिकल सिंबल से तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होता है जैसे प्लस माइनस सिंपल जैसे ए प्लस बी सिंपल कोई दिक्कत नहीं उसमें माइनस के लिए माइनस यूज कर लेंगे डिवाइड के लिए हम यहाँ पे ये स्लैश यूज करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं ये जो गिवन है एट पे तो एट बटन है उसके ऊपर क्या ना तो आप करोगे शिफ्ट एट तो एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ये हो गया ए मल्टीप्लाई बी ये हो गया ओके देन ये तो बेसिक्स है इतना तो लाइक पता ही होगा बट ठीक है अभी क्या है हम अल्फा बीटा गामा वगैरह जो सिंबल्स हैं उन्हें यूज करना तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इनशॉर्ट ऑप्शन दिख रहा हो वहां पे जाएंगे हम यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रही है जो भी हम लिखते हैं ना जो मैथमेटिकल्स हमारे जो होते हैं सिंबल्स होते हैं वो हम इक्वेशन बॉक्स में लिखते हैं इक्वेशन बॉक्स में हम बनाएंगे उनको जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन है तो इक्वेशन बॉक्स में लिखते हो तो आप यहाँ पे जाके ये इक्वेशन पे क्लिक करोगे तो एक इक्वेशन बॉक्स क्लियर हो जाएगी ओके आप इसमें आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो एक कुछ भी लिख सकते हो मैथ्स सिंपल ठीक है ओके अच्छा भैया ध्यान दो यहाँ पे जो मैथ्स लिखी है वो थोड़ी सी एक टिल्टेड फॉर्म है थोड़ी सी एक टिल्ट है राइट साइड में बट जैसे मैं नॉर्मल वाला लिखता हूँ ना वो सीधी होती है ये डिफरेंस आता है खास प्रॉब्लम है नहीं आप इसके अंदर लिख सकते हो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट या चाहो तो आप बाहर से भी लिख सकते हो बट जो इक्वेशन वाली पार्ट है वो आप इसमें ऐड कर लो अभी क्या है ये तो मैंने अब बार बार आपको यहाँ जाना पड़ेगा इंसर्ट सिंबल्स उसके लिए शॉर्टकट है आप यहाँ ना जाके डायरेक्टली ऑल्ट इन इक्वल्स टू ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू ये बटन आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक इक्वेशन बॉक्स ओपन हो जाएगी तो जैसे इक्वेशन बॉक्स ओपन हो गई अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो डील करते हैं बैक स्लैशेस एंड स्पेसेस में जैसे मैं अल्फा लिखनी हो तो हमें इसमें प्रॉपर अल्फा की स्पेलिंग डालनी होगी तो वो सिंबल में चेंज हो जाएगा जैसे लिखा मैंने बैक स्लैश ये इंटर के ऊपर की होती है बैक स्लैश ए एल पी एच अल्फा गामा के लिए बैक स्लैश जी ए डबल एम एम अच्छा यहाँ लिखने के बाद इंटर नहीं हमें स्पेस डालना है एक बार स्पेस डाला गामा बन गया जैसे वो गामा जो सिंबल वाला गामा होता है ना वो वाला हमें जो प्रैक्टिकल चाहिए प्रैक्टिकली हम जो यूज करते हैं तो बैक स्लैश गामा विद कैपिटल जी ए डबल एम ए गाम तो वैसे करके आप लिख सकते हो ये हो गया अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी सिग्मा ओके तो ये सारे सिंबल्स हो गए आपके इसके लिए अभी जैसे हम डिफाइन करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट चलो मैं नया फाइल खोलता हूँ इक्वेशन खोलता हूँ ऑल्ट इक्वल्स टू करके देखा मैंने वहां नहीं किया मैं ये इंसर्ट एंड इक्वेशन पे नहीं गया मैंने डायरेक्टली ऑल्ट एंड इक्वल्स टू डाल दिया तो ये खुल गई अभी मैं इसमें क्या करूंगा सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट करूंगा तो उसके चलिए मैं सम ले लेता हूँ तो बैक स्लैश सम पेस्ट डाली बन गया मेरे पास सिंबल अच्छा अब नीचे लिखना हुआ मैं सबस्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये आपके जीरो के बगल जो माइनस वाला साइन है उसको आप यूज कर सकते हो ये ठीक है वेट अ सेकंड अंडरस्कोर ठीक है अब अंडरस्कोर में जैसे मान लो मेरे को लिखना है 1 to 5 ये तो सिंपल है मैंने लिखा 1 और ऊपर पावर लिखने के लिए एक एरो सिंबल बना हुआ 6 के पास सिर्फ 6 ये हो गया 5 स्पेस डाला मैंने तो ये आ गया 1 to 5 ठीक है इसका जो भी मुझे वैल्यू की मैंने वो लिख दी अभी बट क्या है प्रॉब्लम जैसे मेरे को वो लिखना है मेरे को लिखना है कि आई इज इक्वल्स टू 1 और ऊपर में 5 तक जा रही है आई की वैल्यू 1 to 5 है ये चीज अगर करनी हो तो हम इसमें ऐसे करेंगे अंडरस्कोर डाला मैंने ब्रैकेट ओपन करी उसमें डाला आई इक्वल्स टू 1 एट 5 स्पेस अब आप देखो नीचे आई इक्वल्स टू 1 आ गया ऊपर 5 आ गया एक और तरीका करने का एक और तरीका ये है कि आपने ये लिखा अंडरस्कोर डाला एड डाला स्पेस डाला रेफर उसमें नहीं कर सकते इंटीग्रेशन वाले में पार्ट में कर सकते तो ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट 1 2 ये आ गया सेम गोज विद इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया उसमें आपने नीचे लिखा ऊपर लिखा सेम विद प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन चैप्टर आप उसमें यूज करते हो एमएलएम वाले में एमएलई वाले में तो उसमें आप प्रोडक्ट में पार्ट में यूज कर सकते हो
है। और अभी जैसे कुछ की सिंबल्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आप CS1 में मोस्टली यूज करोगे, वो यहाँ पे शोन है। ये देखो अभी जैसे यहाँ पे ना लैम्डा है, तो जूम कर देता हूँ। जैसे लैम्डा था, अभी लैम्डा है जो एस्टिमेशन वाला होता है। सो कैसे लिखेंगे, ये डाला मैंने, इक्वेशन खोली, यहाँ लिखा मैंने \LAMBDA, लैम्डा हो गया मेरे पास, लैम्डा लैम्डा आ गया। अभी ये ऊपर जो हैट है यहाँ पे, ये हैट, ये गिनियों में हम यहाँ पे लिखेंगे \HAT, हैट, इसको हैट बोलते हैं। एक बार स्पेस डाला तो इसके बगल में आता है वो, फिर हम एक बार स्पेस दबाएंगे तो वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सेम गोल विद, आप एक्सेप्ट कोई भी है, देखो रिप्लेस एनी सिंबल विद लैम्डा, अभी तक कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे \, यहाँ इक्वेशन बॉक्स में गया मैं, \ अल्फा, \ हैट, हैट स्पेस स्पेस, \ बीटा, \ हैट स्पेस स्पेस, ठीक है, कुछ भी जितने भी सिंबल्स आप सोच सकते हो उतने डाल सकते हो आप, गामा, \ हैट स्पेस स्पेस, ये ऊपर ये शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। अब याद देखो आप इन्फिनिटी के लिए क्या सिंबल है, कमांड क्या है, INFTY, तो \ INFTY बन गया। ये लिखा गया सिंबल्स हैं और कैसे बनते हैं वो यहाँ पे लिखे ना लिखे हुए। अब ये जो हम एक्स बार जो लिखते हैं, जो मीन कह लो या फिर सैम्पल मीन जो कहते हैं, जो फॉलो करती है नॉर्मल को, वो वाले पार्ट लिखना हो सिंपल, एक्स लिखा मैंने, जैसे कैपिटल एक्स होता है नॉर्मलाइज, तो कैपिटल एक्स लिखा मैंने, या फिर वाई आपकी मर्जी, \BAR स्पेस, अब ये राइट में हुआ उसके ऊपर नहीं कम्प्लीटली, एक बार स्पेस डाला तो उसके ऊपर वो शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक्स एंड वाई दोनों के ऊपर डालना हो हमें, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें करना होगा \XY, उसके बाहर गया \ बार स्पेस स्पेस, ठीक है। अगर आपको वो ब्रैकेट्स के अंदर ही चाहिए और उसके ऊपर बार भी चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट्स आपको ओपन करने होंगे, उसके अंदर देखना होगा आपको \XY, बाहर गया मैं \ बार स्पेस स्पेस, ठीक है। सेम नीचे के लिए U-bar, ऊपर के लिए नॉर्मल, इन्फिनिटी INT, अभी क्या है सेम, जैसे उसमें लिमिट बनाई थी मैंने INT स्पेस डाली, अब लिमिट डालनी हो तो वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे i_(_i=1) @10, या फिर n कर देता हूँ, n आ गई मेरे पास लिमिट, नीचे ऊपर दोनों। अब यहाँ पे मेरे को जो भी फंक्शन लिखना हो f(x) dx, आ गया मेरे पास, कंप्लीट होगा ये फंक्शन। सेम ये यूनियन, ये पार्ट यूनियन के लिए हम यूज करते हैं, ये इंटरसेक्शन के लिए, तो ये कप के शेप का है, तो हम \ कप, यूनियन के लिए सॉरी इंटरसेक्शन के लिए कैप, फिर प्रोपोर्शनैलिटी के लिए प्रॉप टू हम यूज करते हैं PROPTO, प्रॉप टू, ऑल टी इक्वल्स टू \PROPTO, प्रॉप टू, आ गया प्रोपोर्शन के लिए। ये लेस देन के लिए \LE, ग्रेटर देन के लिए g, प्रोडक्ट के लिए प्रॉड, सम के लिए सम, इन लाइक जो वो एक्स बार बिलोंग्स टू जो करते हैं ना, ये इन वाला फंक्शन, वो इनके लिए \(n), प्लस माइनस के लिए प्लस माइनस सिंपल, लेकिन ये इक्वेशन बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, अदरवाइज ये शिफ्ट नहीं होगी। सबस्क्रिप्ट बता दिया, सुपर स्क्रिप्ट बता दिया, नॉट इक्वल्स टू के लिए n ही कर सकते हो आप, ईटा जो एक सिंपल है उसके लिए आप ईटा यूज कर लो, रो RHO, टाउ के लिए TOU। अभी ये क्या ना, ये सब बेसिक्स यही सब यूज होते हैं CS1 के लिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, CS1 में अभी ज्यादा कुछ खास यूज करोगे नहीं। ओके, अभी जैसे ये देखो यहाँ पे ये ऐसे गिवन है मेरे पास, ये जैसे CI है कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें वन सैंपल कॉन्टिन्यूस का जो मीन के लिए हम फाइंड करते हैं, तो जब सिग्मा इज नोन है तो मैंने क्या डाला, म्यू बिलोंग्स टू, यहाँ आपके साथ में यहाँ टाइप करता हूँ आप देख सको, यहाँ लिखा मैंने \ म्यू \n, कहाँ कहाँ ऐसे ब्रैकेट खोल ली मैंने, यहाँ पे क्या लिख रखा \X बार, दो बार स्पेस ऊपर आ गया उसके, \ प्लस माइनस, प्लस माइनस ये जो ये वाला पार्ट है प्लस माइनस, उसके बाद z, अभी नीचे में α/2 लिखना है ना, तो अंडरस्कोर ब्रैकेट से लिखा \ alpha अल्फा, ये डिवाइडेड बाय, बाहर निकला मैंने स्पेस, ये चला गया, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा \SIGMA सिग्मा डिवाइडेड बाय √n, रूट के लिए हम यूज करते हैं SQRT, यहाँ डालेंगे हम SQRT ऑफ n स्पेस, और यहाँ पे \ आएगा, सेकेंड
अच्छा ऐसे लिख लो आप SQRT ऑफ एन स्पेस स्पेस, ये सेम एज इट इज बन गया यहाँ पे, सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे दो एलिमेंट्स है मेरे पास, यहाँ मैं सेम इसमें चेंज कर देता हूँ। तो जैसे अब ये मैंने लिख लिया, अब मेरे को दोबारा चाहिए चीज यूज करनी है, तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ओके फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, नया एक इक्वेशन बॉक्स खोला, इसके अंदर पेस्ट करा और मैंने चेंजेस कर दिए इसमें। जैसे ये जेड है तो क्या कर दिया मैंने टी, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा इज अननोन। अब यहाँ पे अल्फा बाई टू तो है, बट साथ में हमें और भी कुछ एडिट करनी होगी इसमें। तो ये यहाँ पे गया मैंने कॉमा डाल दिया, पहले क्या लिखना है मैंने n-1 n-1। सिर्फ क्या करना है मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ एस कर देना है, सैंपल के लिए होता है, बस डन। और कोई डिफरेंस नहीं, मैंने कॉपी करा वहां से, पेस्ट करा नीचे में और उससे मैंने काम चला लिया। सेम गोज विथ हियर एक्स बार वगैरह वगैरह, पूरे कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये सब, जैसे सिग्मा स्क्वायर है ये हुआ, बट जैसे वो लिखा पर मैं वैसे ही आप इसको आप कर सकते हो। इस पार्ट में मेन हमें सिर्फ इन चीजों का ध्यान देना, ये जो हमारे पास ये पार्ट जो हमारे पास गिवन है, लैमडा पे हैट लगाना हो तो आप बैक स्लैश हैट और दो बार स्पेस। सेम गोज विथ ये एक्स बार के लिए दो बार स्पेस, यू बार के लिए दो बार स्पेस, ठीक है। अब एक सीन आती है, हम इसमें शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, तो शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, तो वो सीन है ऐसा। मैं इंसर्ट में गया सबसे पहले, फिर वहां में जाऊंगा सिंबल पे, सिंबल में आने के बाद मोर सिंबल्स। अभी अपने को यहाँ पे ढूंढना है इस पोजिशन पे सबसे पे ग्रीक एंड कॉप्टिक, क्योंकि हम वही मोस्टली यूज करते हैं ग्रीक एंड कॉप्टिक। थोड़ा सा पैसे ऊपर जाओ, ये रहा ग्रीक एंड कॉप्टिक, ग्रीक एंड कॉप्टिक अल्फा बीटा गामा ग्रीक ग्रीक के ही है। इसमें जाके मैं नीचे जाऊंगा, ये रहा मेरे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई सिग्मा, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी क्या ना मेरे को शॉर्टकट हैंग कर रहे, बार बार मेरे को ना ये बैक स्लैश से, ये लैम्डा मैंने बनाया ना यहाँ पे, ये बनाया लैम्डा, तो बार बार मेरे को ना बैक स्लैश लैम्डा ना बना लिखना पड़े। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लैम्डा मेरे पास, मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे मैंने बोला शॉर्टकट की। तो ये डिफॉल्ट शॉर्टकट्स होते हैं, अगर आपको ये याद रहे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर लो। तो शॉर्टकट्स पे गया मैं, यहाँ मैंने प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो लैम्डा है ठीक है। तो मैं अराउंड उसी का टाइप कोशिश करूंगा कि उसका सेम जैसे एल जैसे हूँ। तो कंट्रोल से मैं नहीं बनाऊंगा कोई भी फंक्शन, क्योंकि एमएस वर्ड में कंट्रोल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कंट्रोल एस फॉर सेव यू नो, और आपने मान लो सिग्मा बना रहा हो तो आपने कंट्रोल एस डाल दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा करना क्या उसमें। तो उससे बेटर है आप ऑल्ट, जैसे आप ऑल्ट से बनाओ। अभी मैं बस लैम्डा के लिए बना रहा हूँ मैं ऑल्ट एल, ऑल्ट डाल दिया मैंने, उसके मैंने क्या करा असाइन क्लोज। अब सेम मैंने ना बना रखा है, अभी देखो यहाँ पे अल्फा के लिए यहाँ पे ऑल्ट ए आप देख सकते हो, यहाँ पे बीटा के लिए ऑल्ट बी, सिग्मा के लिए ऑल्ट एस, मैंने ऑल्ट से बनाया। ज्यादा नहीं बनाने, बस 5-6 जो आपके रेगुलर यूज वाले वो, ये हो गया। अभी क्या है, मैं यहाँ पे गया, मेरे को लैम्डा डालना है, हमें लैम्डा डालना है, मैंने क्या डाला ऑल्ट एल, आ गया लैम्डा, ये बाहर हो गया, ये इक्वेशन बॉक्स से बाहर भी आप ला सकते हो। अब इक्वेशन बॉक्स अंदर चाहिए तो ऑल्ट इक्वल्स टू इक्वेशन बॉक्स ऑल्ट एल लैम्डा। अगर देखो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, ये ना थोड़ा सा एक फिल्टर्ड फॉर्म में ये सीधा, अगर आपको ऐसे लिखना हो कि लाइक हियर वी आर यूजिंग लैम्डा विच इज इक्वल्स टू दिस, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बिना इक्वेशन बॉक्स से लैम्डा डाल लो। लेकिन अगर आप ऐसे इक्वेशन इस टाइप का इक्वेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे आप ऐसे इक्वेशन बॉक्स के अंदर ये वाला लैम्डा यूज कर लो। अब यहाँ देखो लैम्डा हो गया, जैसे मैंने बोला सिग्मा के लिए बना रखा है तो ऑल्ट एस, अल्फा के लिए ऑल्ट ए। वैसे आप जितना चाहते हैं सिंबल्स शॉर्टकट्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, बट बेटर है आप कम से कम रखो ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उस पार्ट में। होपफुली क्लियर हो इतनी सारी चीजें, और ये इस पार्ट को मैं उसके PDF फॉर्म में आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और ये सब पार्ट सारे जो फॉर्मूलाज आप थ्योरी में पढ़ते हो, CI एंड टेस्टिंग जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसके सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, आपके पास होंगे ही होंगे। तो थैंक यू एंड आई होप कि आपको क्लियर हो ये सब।